नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका परपेटुअल मोशन मशीन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। थर्मल इंजीनियरिंग में भी इसके बारे में दिया हुआ है और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और कई जगह ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन क्या है। परपेचुअल मोशन मशीन जो कि दो सिद्धांत पर कार्य करती है, उसके जो दो नियम हैं वो आपके PMM1 और PMM2 हैं। क्या है परपेचुअल मोशन मशीन, किस सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका उपयोग कहां पर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं PMM1। इसको कहते हैं प्रथम श्रेणी की परपेचुअल मोशन मशीन। क्या है? यदि प्रथम श्रेणी की परपेचुअल मोशन मशीन जो है वो ऊष्मा गतिकी के कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल या इंटर में भी आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, इसका नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो हम किसी भी ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा का हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण की मशीन जो सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर जो मशीन कार्य करती है वो कहलाती है आपकी परपेचुअल मोशन मशीन, इसे PMM के नाम से जाना जाता है। वैसे यदि कहा जाए कि ऐसी मशीन वास्तविक मशीन पॉसिबल नहीं है, क्या ऐसा कोई संभव है कि जो 100% कार्य कर सके, या आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो लगातार मैकेनिकल एनर्जी देती रहे और बिना किसी लॉसेस के, है क्या? नहीं। जितने भी हमारे चारों तरफ मशीनें हैं उन सभी में कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। यदि हम बात करें एक लाइट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो बिजली को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि उस जो विद्युत है उसको वो क्या करता है, वो पहले ग्रहण करता है, उसके बाद ग्रहण करने के बाद वो अपना इस्तेमाल करेगा और उसके बाद फिर वो रीडिंग के रूप में दिखाता है। मतलब शुरुआत उसने क्या किया, उस एनर्जी का खुद इस्तेमाल करने के बाद फिर वो उसका आउटपुट देता है। ये समझिए कि जैसे आपने क्या किया कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या करेगा, पहले खुद उसको चलने ऑपरेट होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेगा, पहले उसको खुद इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद वो डिस्प्ले पर उसको शो करा देगा। या फिर आप समझिए डिजिटल टेस्टर, यदि आप उसमें देखेंगे कि इसमें करंट कितना है, तो सबसे पहले वो टेस्टर क्या करेगा, कुछ एनर्जी खुद खपत करेगा फिर दिखाएगा। या फिर आप समझिए वायर डला है, छोटा बड़ा सा वायर है और आपने यहां से धारा प्रवाहित की, जितनी धारा आपने एक सिरे पर प्रवाहित की क्या दूसरे सिरे पर उतनी ही धारा पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ हानियां होती हैं। तभी तो आपसे देखा होगा कि घरों में भी कहते हैं कि प्रॉपर साइज का वायर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम ज्यादा हैवी वायर का इस्तेमाल करेंगे तो वो वायर कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, या फिर आपने कम किया तो फिर उसके फॉल्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यदि हम एक वायर की ही बात करें तो वायर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करती है। तो कहने का मतलब जो पहला जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो आपका यहां पर लागू नहीं होता है कि कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि 100% आउटपुट दे सके, ठीक है, मतलब बिना किसी लॉसेस के। मतलब यदि हम एक मशीन की बात करें या इंजन की बात करें तो यदि हम इस इंजन में हीट देंगे
और हमें यहां पर कार मिल रहा है, बर्क मिल रहा है, तो बर्क मान लीजिए यहां पर हमारा जितना हीट दे रहे हैं उतने उतना बर्क हमारा यहां पर आउटपुट पर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यहां पर हानि इस मशीन की होगी, फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर लॉसेस होगी। तो यही कहा गया है कि ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट जो है वो ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहां पर ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा का हम लोग क्या कर सकते हैं, रूपांतरण बदल सकते हैं। अगर मशीन के तौर पर बात करें तो ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बिना किसी हानि के या लॉसेस के कंटिन्यू कार्य कर सके, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का जो एक उल्टा कन्वर्जन है वो क्या कहता है, इसके विपरीत ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि लगातार हमें ऊर्जा का सतत आपूर्ति कर सके। अब सेकंड क्या कहता है, PMM2। इसका सेकंड नियम कहता है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के अनुसार कोई ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो 100% आउटपुट प्रदान कर सके। यदि हम जितना इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी मशीन जो ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का विरोध करे, द्वितीय श्रेणी की परपेचुअल गति मशीन कहलाती है। ऐसी मशीन जो किसी ऊष्मा भंडारण से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे 100% कार्य में परिवर्तित कर सके, ऐसी मशीन कहलाएगी आपकी PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन 2। तो ये क्या है, एक आइडियल मशीन है। यूनिवर्स में ऐसी अभी मशीन कोई बनी नहीं है कि जो बिना किसी हानि के 100% आउटपुट दे सके। जैसा कि एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक जूसर है, जूस निकालने वाला, मान लिया हमने क्या किया, यहां इस जूसर में यहां पर फल इनपुट किए और यहां पर क्या हुआ, हमें यहां पर जूस प्राप्त हो गया, ठीक है, जूस प्राप्त हो गया और यहां पे इसका अवशेष प्राप्त हुए, मतलब जो आपका कचरा है या छिलके हैं वो हमें यहां पर प्राप्त हो गए, मतलब यहां पर हमने फल डाले और जूस मिल गया और एक तरफ हमें उसका जो मटेरियल वेस्टेज है वो प्राप्त हो गया। तो क्या पॉसिबल है कि यदि हम इस मशीन को उल्टा कर दें, एक तरफ से जूस डालें और दूसरी तरफ से हम कुछ जो उसका जो वेस्टेज है वो डालें, तो क्या दूसरी तरफ से फल निकल के आ जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस उस मशीन ने किए हैं। तो यही कहलाता परपेचुअल मोशन मशीन जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे परपेचुअल मोशन मशीन और इसके दोनों सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और जो दूसरा है वो कहता है कि कोई भी मशीन 100% आउटपुट नहीं दे सकती है बिना किसी हानि के। तो समझ चुके होंगे आप PMM1 और PMM2। अक्सर ये टॉपिक पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए परपेचुअल मोशन मशीन क्या है, तो लोग आप उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन एक आदर्श मशीन है जो कि इस यूनिवर्स में इसको एडजस्ट नहीं करती है अभी के समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे वीडियो। और यदि आप चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।